हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेड चिली सॉस की रेसिपी। ये एकदम मार्केट स्टाइल है और खाने में बहुत ही टेस्टी। आप इसे किसी भी स्नैक्स के साथ में खा सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रेड चिली सॉस। जो मिर्च होती है अचार वाली, इसको लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। आप इसी के जैसे जो हरी मोटी वाली मिर्च होती है जिससे हम पकौड़े बनाते हैं, उससे भी इस तरह से सॉस बना सकते हैं जैसे मैं इसका बनाना बता रही हूँ। तो पहले हम अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे, फिर हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये मैंने 250 ग्राम मिर्ची ली थी, इसी के अनुसार सारे इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ। और आप अगर ज़्यादा या कम बना रहे हैं तो आप उसी के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने सारी मिर्ची काट ली हैं। मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें हम 2 चम्मच करीब ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च के दाने। इसमें आप अपने मनपसंद के कुछ खड़े मसाले और भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। घर में सॉस बनाने से यही फ़ायदा रहता है कि हम जो भी चीज़ अपने अनुसार ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो चीज़ हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। तो ये इसमें अब हम डालेंगे लहसुन। तो एक बड़े लहसुन इसको मैंने छील लिया है और ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। तो आप अगर लहसुन हटाना चाहते हैं तो लहसुन ना डालें, इसको हम डाल देते हैं। और ये जो हमने मिर्ची काट के रखी है इसको भी डाल देते हैं। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये देखिए मैंने मिर्चों को भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमको लहसुन अदरक और मिर्चों को पकाना है। तो पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, जितने में हमारी मिर्चें पक जाएँ अच्छे से उतने ही ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1/8 कप पानी लिया है और इसको हम मिक्स करके इसको हम ढक देते हैं सॉफ्ट होने तक। मिर्चें अदरक और लहसुन जब तक सॉफ्ट ना हो जाए, और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। ये याद रखना है कि इसमें हमको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, और जो हमने इसमें पानी डाला है वो भी एकदम रिड्यूस कर लेना है, तभी हमारा सॉस साल भर तक टिकेगा। अगर पानी होगा तो फिर ख़राब भी हो सकता है। इसे पक गई है तो मैंने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दिया जिससे इसमें जो भी पानी हो वो सूख जाए। और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए मैंने पहले भी सॉस बनाई थी, घर में सभी को बहुत पसंद आई। जब मैंने लाल मिर्च का अचार का वीडियो आपके साथ शेयर किया है उस समय मैंने ये सॉस बनाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं, सबको बहुत पसंद आएगी। इसको हम एकदम अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम पीसेंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम में पीस देंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। हमको एकदम लाल लाल कलर चाहिए जैसे ये वाला है। तो एकदम हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और पीसने का मेथड जैसे है तो मैं आपको आगे भी बताती हूँ। एकदम अच्छी तरह से ठंडी हो गई है मिर्चें, तो अब हम एक जार लेंगे और इसमें हम इनको डाल देते हैं। अब हम इनको पीसेंगे। तो इसको पीसने के लिए बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना, जितना भी हमको लगेगा इसमें हम सिरका डालते जाएंगे। तो ये मैंने 1/4 कप सिरका लिया है, तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको पीसते जाएंगे। तो जितना भी सिरका लगे उतना हमको इसमें ऐड करते जाना है। और ध्यान रखिएगा जार भी एकदम सूखा होना चाहिए। तो इसको मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए अभी हमको इसमें पीसने के लिए सिरके की और आवश्यकता है, तो इसमें हमने और डाल दिया है और इसको हम इस तरह से समेट लेंगे। इसको फिर से हम पीस लेते हैं। ये देखिए सिरका मैंने सारे डाल दिया है 1/4 कप। अब हम इसमें टेस्ट के लिए चीनी ऐड करेंगे। तो हम इसमें 4 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। आप भी यही रेशियो रखिएगा, एकदम परफेक्ट हमारा सॉस बनकर तैयार होगा। और इसमें हम डालेंगे ये जो
छोटी वाली चम्मच होती है ना घर में जो हम यूज करते हैं, उस नाप की है, तो ये हम डालेंगे 2 टीस्पून। तो ये देखिए सॉस हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको छान लेते हैं, अगर हमको मार्केट जैसा टेक्सचर चाहिए एकदम स्मूथ सा, और अगर ना छानना चाहें तो आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सॉस को छान लिया है, और ये जो मोटा पार्ट बच रहा है इसको आप किसी भी सब्जी में या कोई भी आप चाइनीज रेसिपी बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको किसी भी बॉटल में भर कर रख सकते हैं, और ये साल भर तक जब भी आपका मन हो कभी भी किसी भी चीज़ में डाल के इसका इंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैंने सॉस की एक बॉटल ली है और इसको अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके और सुखा लिया है, इसमें हम इसको भर देंगे। तो इसको हम कीप की सहायता से भरेंगे, आसानी से भर जाएगा। तो ये देखिए हमारी बॉटल भरकर तैयार है, और एकदम मार्केट जैसा टेस्ट भी है। आप इसको बना के जरूर देखिएगा, घर में भी सभी को पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।